अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में और आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्स से करवाने जा रहे हैं वो एक पेंटर हैं, ड्राफ्टमैन हैं, स्कल्प्टर हैं, आर्ट टीचर हैं और 1987 से वो पाकिस्तान में आर्ट की तालीम दे रहे हैं और इतनी मसरूफियात के बावजूद वो अपने स्टूडेंट्स को मिलना, उनको पढ़ाना, उनसे कुछ ना कुछ सीखना पसंद करते हैं। और अगर हम उनकी तालीम की बात करें तो पाकिस्तान समेत दुनिया की मुख्तलिफ वेरियस यूनिवर्सिटी नाम यूनिवर्सिटी से वो तालीम याफ्ता हैं और पाकिस्तान में फाइन आर्ट्स में पहले PhD हैं और आजकल नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में वाइस चांसलर की हैसियत से अपने फराइज बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर मुर्तजा जाफरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे आप? सर सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये बताएं कि फॉर यू व्हाट इज़ आर्ट और आपकी यहाँ पे आमद कैसे हुई, बाकायदा प्लानिंग के थ्रू या हादसाती तौर पर आप इसमें आ गए? देखिए प्लानिंग तो ऐसी कोई नहीं थी, बिल्कुल प्लानिंग के तहत नहीं आया। और अगर आप हादसा, मेरा ख्याल हादसा भी नहीं होता, लेकिन अगर आप हादसा कह लीजिए तो हादसाती तौर पर अचानक से प्लानिंग के। देखिए आर्ट का जिस वक्त मैं नेशनल कॉलेज मैंने ज्वाइन किया था ना, तो उस वक्त ये बात है जिसे 40 ईयर्स ऑलमोस्ट होने वाले हैं, 38 ईयर्स। तो उस वक्त ये हुआ करता था कि जिसे कुछ नहीं, कहीं नहीं मिलता था एडमिशन, वो यहाँ पे तो वो सोचता था कि चलो एक आर्ट कॉलेज भी है, वहाँ चल चलते हैं। नहीं, ये सच है। अच्छा। अब लेकिन ये ज़रूर है कि एक क्राइटेरिया होता था, एक इंटरव्यू का उसका टेस्ट हुआ करता था ड्राइंग का। तो वो कुछ ना कुछ, वो ऐसे लोग जिन्हें जो कहीं कहीं नहीं होते ना उन्हें कुछ आर्ट वाट वो जानते ही हैं। अच्छा। ड्राइंग व्राइंग वो कर देते हैं, इसीलिए तो वो कुछ और नहीं कर सकते। या जैसे कोई अब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में वो नहीं जा सके, मार्क्स कम हैं, मेडिकल के लिए कोशिश की नहीं जा सके, मार्क्स कम हैं, तो उनके अंदर फिर एक चीज़ ऐसी होती है कि अगर उनमें से कुछ लोग यहाँ आ जाएं भटक के तो यहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे तो सर मतलब यहाँ पे एडमिशन तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल से नहीं मिलता, या उस वक्त आसान थी और अब मुश्किल है? आसान उस वक्त भी नहीं था, लेकिन इतना इतनी भरमार नहीं थी, इतना प्रेशर नहीं था। ये ऐसा नहीं था कि 6,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। ये ज़रूर था कि अगर 150 सीट्स हैं उसके लिए 200-300 लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो आपने ड्राइंग का टेस्ट दिया था यहाँ पे आके? ये ड्राइंग का टेस्ट दिया था और आप उसमें पास हो गए? जी बिल्कुल उसमें पास हो गए। अच्छा सर, जब आपने, क्योंकि आपने कहा कि प्लानिंग से भी नहीं आए और हादसाती अचानक मतलब आ गए आप इसमें, तो सर जब आपने घर में ये बताया कि मैंने NC में एडमिशन ले लिया या मैं इसको आगे परसू कर रहा हूँ, तो घर वालों का क्या रिएक्शन? कोई अच्छा रिएक्शन नहीं था कि ये भी कोई काम है करने का। तो लेकिन घर वालों को इतना खास उन्हें प्रॉब्लम नहीं थी इस चीज़ से कि वो जो मर्जी करें, जो भी कर रहे हैं ठीक है। अच्छा, लेकिन सर अमूमन होता है ना कि उस वक्त में भी और आजकल के ज़माने में भी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी ऐसी फील्ड में जाए जहाँ पे उसकी अर्निंग अच्छी हो सके, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, अब तो मीडिया भी इसमें शुमार होता है, ब्रोकरेसी हो। तो आपने आर्ट्स की तरफ आने? देखिए हमारे एक इस वजह से भी ये चीज़ इस तरह से सामने नहीं आई कि हमारी फैमिली में ये किसी जॉब का तस्वीर ही नहीं था कभी। अच्छा। बिजनेस में थे, उनका ही ख्याल था अगर जॉब ये कुछ भी कर लेगा तो ये किसी काम का नहीं है, अगर इंजीनियर भी बन जाएगा, डॉक्टर भी बन जाएगा तो ये क्या करेगा। हाँ, तो इसलिए बराबर था सब कुछ। अच्छा तो, अच्छा तो सर आप बिजनेस की तरफ आपका माइंड नहीं था? नहीं देखिए मेरा बिजनेस की तरफ माइंड कभी भी नहीं था, क्योंकि वो एक जो 2+2 की कैलकुलेशन है ना, उसकी जिद ही तो आर्ट है। तो इसलिए अगर इस साइड पर आपका एप्टीट्यूड है तो फिर आप उस तरह से कैलकुलेटिव नहीं होते और फिर ना उस हल्के में आप पसंद किए जाते हैं ना आप उसे वो काम कर सकते हैं। अच्छा सर, क्योंकि इस वक्त हम लोग NCA में ही मौजूद हैं तो आप NCA की तारीखी हैसियत के बारे में बताएं। देखिए ये इंस्टीट्यूशन इसे ऑलमोस्ट अब 150 ईयर्स होने जा रहे हैं, एक दो साल में इसको शायद 148 ईयर्स हो गए हैं। और ये इसी मकसद के लिए बनाया गया था कि डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के हवाले से, कि उस वक्त जो एक दौर था, जाहिर है कि वो चाहते थे कि इस रीजन से कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट की जाएंगी और जो क्राफ्ट यहाँ का है और इंडस्ट्री जो है उसे क्राफ्ट ओरिएंटेड, उसको बेहतर किया जाए।
और उसमें एक जो एलिमेंट है डिज़ाइन स्किल का वो शामिल किया जाए, तो ये बुनियाद थी। लेकिन फिर ओवर द ईयर्स ये एक आर्ट कॉलेज की शक्ति अख्तियार कर गया, जैसे 1958 में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। अगरचे कि ये कोई हमने कमाल नहीं किया था जब नाम चेंज किया था, क्योंकि मेयो स्कूल के नाम से ये इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन ये हम लोगों में हमें ये शौक़ बहुत है जी कि हम नाम बदल देते हैं और तो कल नाम बदल दिया गया, आज तो ये नाम एक ब्रांड बन गया हमारा। तो सर बस अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको वो पुराना वाला नाम ज़्यादा पसंद था या ये वाला नाम? देखिए ये पसंद की बात तो बाद में आएगी, पहले तो ये आएगा कि जिसके नाम पे ये बनाया गया और जो कि एफर्ट की गई जी, तो वो चीज़ें हमें उसे ऑनर बहरल करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये जो है ये हमारी एक टेंडेंसी है कि हम नाम बदल देते हैं और उससे पता नहीं हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि नाम बदलने से क्या हो जाएगा। मैं तो इससे नहीं बिलीव करता जी। अच्छा सर, इसकी मतलब मैं जो अभी तक इसकी बिल्डिंग को देख रही हूँ और चीज़ों को देख रही हूँ, सर ये एज इट इज़ ही हैं, आप लोगों ने इसको चेंज नहीं किया? जी हमने बहुत कोशिश की है कि इन चीज़ों को इंटैक्ट रखा जाए उनकी अपनी हालत में, और क्योंकि देखिए जो स्ट्रक्चर है ना वो उसकी एक सेंटिटी होती है हर स्ट्रक्चर की, और यही चीज़ है कि आप कुछ इंस्पायर भी करता है तो स्ट्रक्चर ही करता है, और आप फील करते हैं स्ट्रक्चर को, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, एक स्ट्रक्चर ही है ना उससे, तो वो जो एक उसकी जो इंटेग्रिटी है उसकी जो सेंटिटी है, तो हमारा ये ख्वाहिश रहती है कि चीज़ों को प्रॉपरली उन्हें कंजर्व किया जाए, उन्हें उस हालत में रखा जाए जिसमें वो कंसीव की गई थी। तो हमने कोशिश की है, लेकिन ओवर द ईयर्स कुछ चीज़ें हमें मजबूरन करनी पड़ी स्पेस की वजह से, कि स्पेशल कंस्ट्रेंट था, हमारे पास जगह कम थी। अच्छा, और चीज़ों का हमें ऐसा काम हुआ है, लेकिन अब हम नई बिल्डिंग हम बना रहे हैं। अच्छा, एक 3 down and 11 up, उसमें ये होगा कि NCA की अगर कहीं पे हमने कहीं स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट किया है और वो रिवर्सिबल चेंजेस हैं जो हमने किए हैं उन्हें हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है, लेकिन सर इस कमरे में जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं ये तो वैसे किसने कोशिश की है कि इस किस्म के जो हैं उनको हम रखें, जैसे हमारे तीनों जो आर्ट गैलरीज हैं जी ये पर्पस बिल्ड है 19th century की, वैसी की वैसी इंटैक्ट हैं। अच्छा सर, इस वक्त यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं? हमारे पास इस वक्त अराउंड 1800 स्टूडेंट्स हैं। और कितने हर साल कितने बच्चे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं? देखिए अप्लाई तो अब हमारा बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमारे यहाँ 5000+ एप्लीकेशन आती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट्स कुछ हमने ऐड किए हैं ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, जैसे फिल्म के डिपार्टमेंट एक नया ऐड किया था, फिर हमने म्यूज़िक को ऐड किया था, और रिसेंटली कल्चर स्टडीज़ में एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। सर उनमें भी लोगों का रुझान उतना ही है? बिल्कुल है, बहुत लोग सोचते हैं कि बाहर जाके पढ़ने से बेहतर है कि अगर इधर ही। जी जी, नहीं देखिए हमारा जो मैार है वो मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट्स पाकिस्तान में और किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं? अब शायद शुरू किया है, लेकिन हो गया है लेकिन शुरू हमने किया था म्यूजिक भी और फिल्म भी। सर आपके पास तो वैसे भी ये एजाज़ हासिल है ना कि आप पाकिस्तान में पहले PhD करने वाले हैं? जी उस वक्त मैं जब आया था 2002 में, तो फिर हमने पहला मैं फाइन आर्ट का PhD था, और फिर हमने यहाँ PhD प्रोग्राम शुरू किया था अक्रॉस द रोड पंजाब यूनिवर्सिटीज़ में भी, बाकी इंस्टीट्यूशन में भी, और मैंने फिर काफ़ी लोग सुपरवाइज़ किए थे, प्रोड्यूस किए थे। सर आपने ये जो ये बताया था कि सारी प्रोविंसेस में आप ही सुपरवाइज़ कर रहे थे, वो भी तो बताएं ना। जी बिल्कुल इवन क्वेटा में भी, और सिंध में भी जो PhD के लिए रोल थे तो उन्हें मैं ही देख रहा था। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा सर, कहा जाता है कि अगर NCA में किसी ने एडमिशन लेना है तो सिफारिश चलती है या नहीं चलती है? नहीं देखिए हमारे यहाँ सिफारिश एडमिशन में भी नहीं चलती है, हमारी जब इंडक्शन होती है फैकल्टी वहाँ पर भी नहीं, ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि जैसे देख लीजिए अगर 5000 एप्लीकेंट्स हैं और 300 सीट्स है तो क्या रेशो बन रहा है वहाँ पर, तो जितनी स्क्रीनिंग होके एक स्टूडेंट पहुंचता है शॉर्ट लिस्टिंग, तो बिल्कुल ये ऐसा लगता है सबको, क्योंकि देखिए ना अप्लाई किया है 5000 से ज़्यादा ने, एडमिशन दिया है 300 को, तो बाकी कितने बचे? वो लोग यही समझ रहे होते हैं कि जहाँ यहाँ पे तो पता नहीं मेरा भी एडमिशन नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, तो किसका एडमिशन हो गया। तो ऐसा नहीं है, हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है कि हम सिफारिश को एंटरटेन करें। सर वैसे वो किस किस्म के टेस्ट होते हैं ये भी तो बताएं। देखिए ड्राइंग का टेस्ट होता है, आपको ड्रॉ करना है, ठीक स्पॉट पे करना है, सही, फिर एप्टीट्यूड
का भी एक रिटन टेस्ट होता है, तो दोनों फिर इंटरव्यू हम करते हैं जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होते हैं, उसमें से 6-7 एक सीट के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उन्हें इंटरव्यू करते हैं। तो हमारी यही ख्वाहिश होती है कि जो जिसका एप्टीट्यूड है ना उसी को लिया जाए। ज़बरदस्त। अच्छा सर, फाइन आर्ट्स में जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं और अगर उसमें कामयाब होना चाहते हैं तो उसमें आप क्या समझते हैं किन सलाहियतों का होना ज़रूरी है? देखिए, सलाहियतों का तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं होना, क्योंकि इंसान जो है वो पैदा ही हुआ है कुछ चीज़ों के साथ जो वो जानता है, और इसीलिए तो उसे कहा जाता है कि वो एक अशरफुल मखलूकात है। अब सिर्फ ये बात है कि वो किस तरह से एक सच या जो रियलिटी है उसको देखता है, जैसे अब आप कहते हैं कि वो जो एक देखने का अंदाज़ क्या है, एक आर्टिस्ट का एक है अंदाज देखने का, वो ये सीखता है। हम किसी को कुछ नहीं सिखाते यहाँ पे। अच्छा? ना पढ़ाते हैं। हाँ। हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि आपका जो फोकस है वो दिमाग के बजाय दिल होना चाहिए। और जब आप दिल से जो काम हो इससे देख रहे होते हैं तो फिर आपको आप सब चीज़ इवन जो स्किल भी है ना वो आपके आप एक्वायर कर देते हैं। सर, फिर बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स तो आने के लिए बेताब और बेकरार होंगे क्योंकि इस तरह की यूनिवर्सिटी जहाँ पे पढ़ाया ही ना जाए। नहीं देखिए, ये टर्म मैं जो इस्तेमाल करता हूँ तो काफ़ी इस पर एक कंट्रोवर्सी सी सामने आती है। देखिए, मकसद ये है कि जहाँ तक आप मुझे बताइए कि आज के ज़माने में एक जो स्मार्टफोन है जी, वो एक 2-3 साल का बच्चा हैंडल कर रहा होता है। गूगल पे किसी भी सर्च पे वो इतना कुछ वहाँ पे है कि जिसे हम जानना कहते हैं ना, हाँ, वो बहुत जानता है। बिल्कुल। तो अगर जो पढ़ाना जो है वो जानना है तो जान तो रहा है। अब वहाँ पे ये है कि वो एक मैड हार्ट रिक्वायर्ड है, एक पागल दिल उसका है या नहीं है। हाँ। तो हम कोशिश करते हैं कि उसके दिल को किसी तरह से पागल कर दें, या वो पागल दिल आपके पास आ जाए तो आप उसको अडॉप्ट कर लें। देखिए, क्योंकि यही मकसद है ना कि उसे जैसे जब मैं बात करता हूँ या मैं किसी स्टूडेंट से बात करता हूँ जिसे आप लेक्चर कह देते हैं, हम उसे लेक्चर नहीं कह रहे, मैं कभी नहीं कहता कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ। एक उस्ताद की जो एफर्ट है वो सिर्फ ये होती है कि वो सेंसिटाइज, एक अच्छा लफ्ज़ तो नहीं है लेकिन कुछ सीखने की, कुछ जानने की, बस ये है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, कहा जाता है कि एक वक्त था जब यहाँ पर NCA में धड़ेबंदी बहुत ज़्यादा थी, मुख्तलिफ ग्रुप्स थे जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा करते थे, तो सर आजकल क्या हालात हैं, इस वक्त भी ऐसा है? देखिए, ये हमेशा से है और हर जगह है, ये ऐसा कहा नहीं है, हम इंसान हैं। अच्छा। और हम जब हमें ये अकल हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना, हाँ, तो फिर हम यही काम करते हैं और कोई काम ही नहीं आता हमें। कि आप सियासत में हो, आप किसी कारोबार में हो, आप ये सोच रहे होते हैं कि किसी को आपने काटना है और आगे बढ़ना है। अब ये एक इंस्टिंक्ट है, एक आर्ट इंस्टीट्यूशन का असल में यही रोल होता है। हमारे यहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं जो अमूमन हर जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में होते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता या होना नहीं चाहिए, ये कम से कम होना चाहिए। देखिए, हर जगह होता है, किसी ने बर्टन रसल ने कहा था ना, खूबसूरत बात कही थी, कुछ लोग इस पर इख्तलाफ भी रखते हैं कि इंसान जो है वो जाहिल पैदा होता है और जो तालीम है वो उसे बेवकूफ़ बनाती है। तालीम असल में हम इंसान को, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हासिल करते हैं, तो इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम ये बल्कि कहते हैं कि हम नहीं तालीम दे रहे, जिन्हें हम बेवकूफ़ बनाना नहीं सिखा रहे, तो हम तो ये सिखा रहे होते हैं कि आप कुछ स्किल हाथ से काम करना सीख लें। बिल्कुल। और बल्कि सर, ये जो भी आपने ये कोट यहाँ पे बोला, इससे पहले भी बल्कि व्यूअर्स प्रोग्राम शुरू होने से पहले सर ने मतलब एक नई टर्म मुझे समझाई सिखाई, मैं तो हैरान रह गई। सर, वो जो चुड़ैल वाली आपने मुझे बताई, मैं चाहूँगी आप व्यूअर्स के साथ शेयर करें। सर, मैं तो अभी तक समझते थे कि जो चुड़ैल होती है, क्योंकि व्यूअर्स मैंने कहा था कि जी मतलब मैं ऐसे चुड़ैल बन के आ जाती हूँ, तो सर ने कहा कि जो चुड़ैल होती है वो तो खूबसूरती की अलामत। सर, आपने ऐसा सर, हालाँकि हम तो उसको खौफ की अलामत समझते थे। देखिए, खौफ की जो अलामत है ना, वो तो जैसे मैंने भी आप सर्च किया था, खौफ की जो अलामत है वो इंटेलेक्ट है, इंटेलिजेंस है। अच्छा। क्योंकि खौफ तो आपको दानिशवर लोगों से होना चाहिए ना, क्योंकि वो आप जज कर रहे होते हैं। हाँ।
और इतनी जल्दी जज करते हैं, डीपली जज कर रहे होते हैं और फिर आपके अगेंस्ट फैसला दे रहे होते हैं, तो इसलिए खौफ चुड़ैल जो है ना वो तो बहरहाल सर वो जो आपने उसकी डेफिनेशन दी थी वो थे देखिए वो ये मैंने आपसे कहा था किसी से इस दर्जा जी मुतासिर होते हैं जी तो कि आप फिर किसी काम के नहीं रहते इसलिए जो है ना वो जैसे हम बात कर रहे होते हैं जैसे स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे थे ना कि वो हम जब नेचर को देखते हैं और ख़ास तौर पर इस तरह से देखते हैं कि कभी कोई चींटी है यहाँ पे आ जाती है तो मैं उसे अपने फेंकते हुए भी एहतियात कर रहा होता हूँ कि ये मर ना जाए, वो इसलिए कि जब आप उसे कंसीडर करेंगे ना कि वी आर वन ऑफ द क्रिएचर्स, वाह जबरदस्त, हम अपने आप को सुपर लेके बैठे हुए हैं कि बाकी सब चीज़ों को हकीर समझ आपने तोड़ देना है, जबकि अगर आप रियलिटी तो ये है ना कि हम भी एक मखलूक में से एक हैं और हर चीज़ जो है वो मखलूक है, अब जो फूल है वो भी उसकी मखलूक है, अब वो स्ट्रक्चर में जो आपकी दिलचस्पी बढ़ती चली जाती है ना फिर आपको उसकी कदर बढ़ जाती है, फिर आप उसे तोड़ते नहीं, उसे मारते नहीं, उसको हटा देते हैं कि इसका भी उतनी राइट है जितना मेरा राइट है। ब्यूटीफुल, जबरदस्त, ये डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है मगर यहाँ पे वक्त ब्रेक ब्रेक का। अच्छा सर ये बताएं कि मिनिएचर क्लास हो रही है? जी जी मिनिएचर, ये अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि एनसीए हम एक वाइड इंस्टीट्यूशन है इस इवन कॉन्टिनेंट में जिसमें कि मिनिएचर की डिग्री ऑफर करते हैं। अच्छा, इवन इंडिया में भी और ईरान में मिनिएचर एज अ डिग्री सब्जेक्ट नहीं है, क्लास पढ़ाई जाती है लेकिन डिग्री नहीं देते। हाँ, हमने इसका बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इसके कोर्स है और डिग्री ऑफर करते हैं। सर अच्छा ऐसा भी होता है कि यहाँ पे तो वैसे मैं उधर पहले भी जब हम स्टूडियो में गए आपके स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो सब बहुत अच्छा जो जो क्लासेस हो रही हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं सर, लेकिन ये भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यंगस्टर्स को शौक तो होता है कि वो एनसीए में एडमिशन ले लें और सर उनमें किसी किस्म की कोई काबिलियत या वो जो आप कहते हैं ना कि बेसिक उसको ड्रॉ करना आना चाहिए शायद उनकी वो भी ठीक नहीं होती है। देखिए वो तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता ना, वो नहीं आ सकता, ड्रॉइंग का टेस्ट दे के आएगा ना। अच्छा ऐसे कैसे आ जाएगा? अच्छा ठीक तो है, ओके देखिए ड्राइंग का बेसिक टेस्ट दे के आएगा वो। इस पूरे यूनिवर्सिटी का विजिट करते हैं दिन में एक दफ़ा जी या दो दफ़ा सर, आप कितनी सुबह आ जाते हैं, आपका स्टाफ आपसे तंग ही आ जाता, सॉरी मैं वैसे ये बात आपसे कर रही हूँ लेकिन फिर बहुत इसमें कोई शक नहीं है, वो कहते हैं इनका तो गरबा है जी तो लेकिन काम तो ऐसे ही होता है। ज़बरदस्त सर कि सर डेली मतलब इतनी पंक्चुअलिटी के साथ सुबह के टाइम आना और शाम तक रात तक बल्कि मैं कहती हूँ कि रहना नहीं सर, अब ये जो अब मेरा सर शेड्यूल इसमें मैं बिल्कुल भी बहुत जल्दी नहीं आता। अच्छा टाइम से आधा पौना घंटा लेट ही आता हूँ क्योंकि मुझे लेट बैठना होता है। अच्छा सर अब जैसा आपने कहा कि ये आपका थर्ड टेन्योर है तो ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि एनसीए को ये जो यूनिवर्सिटी का दर्जा तकरीर से मिला इसकी क्या वजह है? देखिए इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि एनसीए आर्ट तो क्या एजुकेशन भी हमारी प्रायोरिटी नहीं है इस मुल्क में, कभी भी नहीं रही है और ये मैं खुद भी कह रहा हूँ क्योंकि ये है एक चीज़ जो लोएस्ट प्रायोरिटी पर होती है। अगर ये हमारी प्रायोरिटी होती तो मुझे बताइए कि जो स्कूल्स हैं स्टेट स्कूल वो फ्लरिश करते या ख़त्म होते? आपके ख़त्म हो गए, वो वहाँ गांव देहातों में उसमें गाय भैंसें बदी होती हैं नहीं चल रहे, बजाय वो प्राइवेट सेक्टर आपका बहुत एक टॉजन बिगड़ गया है ना, प्राइवेट सेक्टर में बेहतरीन स्कूल हैं बेहतरीन, स्टेट सेक्टर में स्कूल ही नहीं है, हमारी एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है। चले सर देर आए दुरुस्त आए वाली बात पे साथ, ठीक है सर। अच्छा सर ये बताएं प्लीज़ हाउ इज़ आर्ट इम्पॉर्टेंट टू आर सोसाइटी खासतौर पर आजकल जिस किस्म की जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है इसमें? देखिए इसमें अब आप जैसे आपने खुद कहा है कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट है तो यहाँ पे टॉलरेंस रिक्वायर्ड है ना, कि जो टॉलरेंस है उसका लेवल बहुत हमारा नीचे आ गया है, वो इतने बर्दाश्त नहीं रही है और वो इसी तरह से आएगी कि आप कुछ
से एहसास शुरू करते हैं, औरों के बारे में सोचते हैं, हम सब अपने बारे में सोच रहे होते हैं, यही कह रहे होते हैं कि आप ही को सब कुछ मिल जाना चाहिए, आप ही सही हैं, बाकी सब गलत हैं। और यहाँ पे जो सवाल है वो उसका टॉलरेंस का आता है कि तहमुल। अच्छा सर, आपने एक बड़ी प्यारी बात की ना कि दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी यहाँ पे ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले जैसे आपकी टीम से बात हो रही थी, आपसे बात हो रही थी, तो आपने बताया कि जिस तरह से ये सैलाब पाकिस्तान में आया और एक नागहानी आफत के तौर पे और इतनी तबाही और बर्बादी, सर उसके लिए मुझे पता चला माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत काम किया, उस पर भी थोड़ा सा बताएँ। हमने जी बहुत चीज़ें की, हम सब ये देख रहे थे कि लोगों के पास टेंट नहीं है, तो हमने जब टेंट मार्केट में देखे तो पता चला कि वो जो टेंट अभी 3,000 का था वो 14,000 का हो गया। फिर हमने टेंट प्रिपेयर किए। अच्छा, 700 टेंट्स बनाए हमने। हमने कोयटा भेजे, माशाल्लाह हमारे एक अलमनाई उन्हें भेजे, हमने उन्हें बॉक्सेस बनाए। फिर हमने बहुत तैयारी की, तो ट्रक हमने तैयार कर लिए। अब ये था कि किसे भेजना है, वहाँ से खबरें आ रही थी कि ट्रक लूटे जा रहे हैं, फिर आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं खुद जाऊँगा। हाँ जी, फिर मैं खुद गया। ज़बरदस्त जी, हम शक्कर गए, फिर हम खैरपुर गए जहाँ 11 पानी भी था, वो हमने अपने ग्रेजुएट को टाइप अप कर दिया था वहाँ पे। अच्छा, हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं यहाँ तक कि जाफराबाद से भी आए वो, जो कोयटा के बॉर्डर से, तो हमने फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया और डायरेक्ट उन लोगों को भी दिया पूरे हाल में। तो वो देखिए फंडामेंटली अगर आप देखें ना कि बहुत You can give to somebody. अब प्रोग्राम का वक्त जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और मुझे ये भी पता है कि आपको शेर व शायरी से, म्यूज़िक से भी बड़ी दिलचस्पी है, तो सर आप मुझे अपने किसी फेवरेट शायर का कलाम सुनाएं। याद नहीं रहते, मेरा ख्याल छोड़ दें फिर। सर यूनिवर्सिटी के टाइम में काफ़ी लड़कियों को सुनाते होंगे ना आप, बोल वाले उन्हीं में से कोई एक साथ सुना दें आज। नहीं, लड़कियों को मैं शेर नहीं सुनाता था, उनसे तो भाई लंबी गुफ्तगू हुआ करती थी। अच्छा, शेर तो एक चंद में है। सर बहुत शुक्रिया आपके सारे वक्त का, इस सारे विजिट का, व्यूअर्स आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे तो पर्सनली आज का प्रोग्राम मैंने बहुत इन्जॉय किया। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।